नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 मई 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का सब्जियों का क्या कुछ बाजार चला। दोस्तों रेट शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, कल दिल्ली में शाम को हल्की फुल्की बरसात हुई थी, उसके बाद सारी रात मौसम बदल का बना और आज 1 मई है। दोस्तों ये आज मैं पहले इसलिए बोल रहा, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, 1 मई है। आज के दिन देखो पूरी गर्मी होती है और अभी सीजन चला है दोस्तों गर्मी की सब्जियों का। जब तक गर्मी नहीं पड़ेगी इन सब्जियों के रेट नहीं होंगे, क्योंकि आज 1 मई के दिन ऐसा मौसम है, यदि आप एक खाली पंखे में भी पड़ोगे ना, उसमें भी आपको चद्दर कंबल लेना पड़ जाएगा ऊपर, दिल्ली के अंदर इतनी ठंड है यहाँ पर। और जब तक रेट नहीं, ये गर्मी नहीं पड़ेगी, लू नहीं चलेगी, इन सब्जियों के रेट नहीं होंगे, इसलिए बोलना पड़ गया। दोस्तों चैनल में ना हर तरह के लोग आते हैं, कोई सरकार के विरोधी हैं, कोई सरकार के पक्षधर हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं कि सरकार मर गई, रेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं क्लियर कर देता हूं, जब हम खेती करते थे 2007 की बात बताऊं, 2007 में दोस्तों हमने इतने पैसे बांटे थे टमाटर के कि हमने एक नई सूमो ली थी, नई सूमो 2007 में। और बिल्कुल इनके खाते देख लो जो आड़तियों के, इनके कंप्यूटर चेक कर लो। 2008 की बात बताऊँ, 2008 में ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम जैसा 2023 में मौसम है, हर रोज बदल, बारिश, ठंड। उस साल 2008 में ठंड ही नहीं पड़ी बिल्कुल भी। इनके कंप्यूटर देख लो, खाते देख लो, कहीं मर्जी के आड़ती होंगे। तो बहुत ज़्यादा सब्जियों का मंदा था उस साल, इतने बुरी हालत तो हुई, इतने बुरे पीटे कि पैसे भी पूरे नहीं हुए। और 2009 में फिर दोबारा तेजी आई, हमने एक नया महिंद्रा 605 नगद ट्रैक्टर ले लिया था पैसों का। उस टाइम आया था जी वो दोस्तों 6,42,000 रुपये का, उस जमाने की बात है, 2009 की बात है जी। 2007 में पैसे बांटे सूमो ली, 8 में छीते, 9 में फिर पैसे बांटे। तो इसलिए ये चलता रहता है, कुछ बंदे इसमें बीच में आके डिस्टर्ब करते हैं चैनल में, सरकार मर गई, इसको हटाओ, ये बटाओ, ये किसी के हाथ में नहीं है। जब तक मौसम गर्म नहीं होगा, लू नहीं चलेगी, शिमला मिर्च, टमाटर, परमल, क्योंकि ये गर्मी के सौदे हैं और गर्मी में तभी इनका रेट मिलता है जब लू चलती है। इनका सारा का सारा इन दिनों में लू चलनी चाहिए। और आज मौसम हो रहा है, हाँ शिमला बना हुआ है दिल्ली में कल का ही, और अभी कई दिन ऐसा ही बनेगा। चलिए जान लेंगे आज का क्या कुछ सब्जियों का बाजार चला मंडी में। नमस्कार भाई साहब जी। हाँ जी संजय भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चला जी शिमला मिर्च का? ये अपना पंजाब वाली के क्या रेट? हरियाणा पंजाब वाली बिक्री है 50-40 रुपए पन्नी, 40-50 रुपए पन्नी पंजाब वाली। हाँ जी, और करनाल करनाल और शाहबाद वाली बिक्री है 5-6 रुपए किलो। शाहबाद वाली, करनाल वाली 5-6 रुपए। और जो यूपी की आ रही है बरेली वगैरह? यूपी बरेली सब बंद हो गई है, सब बंद। अच्छा जी, वो सब खत्म हो गया, मिर्च अब नहीं आ रही उससे। अच्छा जी, और ये पापड़ी मिर्च है, इसमें देखो रात से आई हुई है, 6-7 रुपए बिक रहा है लेकिन बिक नहीं रहा है। अच्छा जी, और जो पंजाब की तीखी मिर्ची आ रही है? तीखी मिर्ची 18-20 फिरोजपुर वाली। हाँ। और जो ये बरेली 78 नंबर आती है जी, बरेली वाली 78 नंबर अब नहीं आ रही, अब संभल की आ रही है, वो भी बिक्री है 20-22। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, और आज का अपने पास वो परमल राई गाड़ी, परमल की, परवल का बाजार वही है 26 रुपए से लेके 30 रुपए तक, 26 से 30 रुपए देसी वाला परमल, देसी परमल। और ये कच्चा आम कहाँ का? कच्चा आम कलकत्ता का है। हाँ जी, गाड़ी लेट लगी है, ये बिक्री है 16-17 रुपए। हाँ जी, 15-16 रुपए गाड़ी लेट लगी है। अच्छा जी, फिर शिमला मिर्च के बारे में बताओ जी, क्या होएगा इसका? शिमला मिर्च देखो अब क्या होता है। हाँ जी, अभी तो खैर वही चल रही है। नहीं, ये पंजाब की 40-50 की पन्नी में क्या बनेगा, जिस सरदार जी ने कई दिनों, कल परसों गाना भी गाया था वीडियो में, मेरी वीडियो दिखाई थी जी। पंजाब वाली तो वही 50-40 की पन्नी बिक रही है। इनका कब तक आ जाएगा जी, जो शाहबाद अपना आतुरी है, तो करनाल तो है ये। नहीं, रेट 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 कब तक? रेट देखोगे शाहबाद क्या अपना पंजाब वाली जब कम हो। हाँ जी, यही है ये, तो थोड़ा तो ऊपर चलेगा बाजार। अच्छा जी, जब पंजाब उठने नहीं दे रहा इनको। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों ये सन्नी भाई की दुकान का एड्रेस है, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने दोस्तों शिमला मिर्च का और खीरे का ही काम है। ये दोस्तों जान लेंगे सन्नी भाई की दुकान पे, जहाँ पर इनके पास ये इधर शिमला मिर्च आती है जो भाऊजी बेचते हैं, आज ये जो है ड्रम स्टिक बेच रहे हैं सिंगी, और इनके पास है ब्रोकली, और इन्हीं ने बेची, इनके पास आई थी गुमार फली। हाँ जी सर जी, आज आपकी ड्यूटी इधर लग रही जी, इस तरफ जी, आज इधर ही लग रही है। संजय की ड्यूटी शिमला मिर्च में जी, आज जी, आज का ब्रोकली कहाँ वाली है जी? है ये ब्रोकली वही है, वहाँ की हिमाचल की है ये। अच्छा जी, इसका क्या बाजार है जी? ये बिकी 18-22 रुपए। और जो नंबर वन की ब्रोकली है जी, नंबर वन वाली 25 रुपए बिकी है। अच्छा जी, और आज ये सिंगी कहाँ वाली है? ये सिंगी राजस्थान की है ये। इसका क्या बाजार चल रहा जी? है
ये तो 8-10 रुपए नंबर दो की 8-10 रुपए 5 रुपए 7 रुपए। और बढ़िया वाली सिंगी का बाजार? बढ़िया वाली का 15-18 रुपए। अच्छा जी, और ये मखनी ग्वार आई थी जी अपने पास, ये मखनी ग्वार आज मेरे पास आई थी, मखनी ग्वार बिकी है 55 से 58 रुपए। 55 से 58 रुपए, माल बढ़िया अब चलेगा जी लगातार? हाँ, मखनी ग्वार लगातार आएगा माल। और जो इसमें मोटी है जी? मोटी वाली अभी आई नहीं है, मोटी वाली आएगी वो भी 30-35 बिकेगी अभी। अच्छा, अभी सारी ब्रीक वाली है मखनी? अभी, अभी सब मखनी आई थी यार, नंबर एक ग्वार आई थी। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद सर जी, आज आपकी ड्यूटी इधर लग रही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों बात कर लेंगे पत्ता गोभी की। जो पत्ता गोभी दोस्तों ये है हापुड़ और थाना भवन की। दोस्तों जो बढ़िया पत्ता गोभी है, चाहे कहीं की भी हो जी, पत्ता गोभी बढ़िया पत्ता गोभी, उसका रेट है दोस्तों 280-300 रुपये। और जिसमें मोटे फूल, थोड़ा खाए फूल वो 250 रुपये, पीले फूल और जिसमें थोड़ी सी कीड़े की शिकायत वो 200 रुपये, यानी 200 रुपये से लेकर 300 रुपये पत्ता गोभी का सेम वही वाला पहले वाला रेट है। और वजन अब इन्होंने कट्टे भी चौड़े कर दिए, थोड़े ज़्यादा वजन भरने लग गए, क्योंकि इनको भी खेतों से माल फेंकना बस ये। और वजन इसमें 60 किलो बोलते हैं, पर इसमें 65 किलो के लगभग वजन है जी। चलिए दोस्तों जान लेंगे आरके एंड कंपनी पे, राहुल भाई की दुकान पे, आज का सब्जियों का क्या बाजार चला भाई साहब के पास। ये हिमाचल वाली पत्ता गोभी आई दोस्तों, हिमाचल वाली पत्ता गोभी में ये नहीं पता भी कितनी वैरायटी हो रही, कोई सफ़ेद फूल की है, कोई बासे फूल की है पीली, कोई खाए फूल की है कीड़े वाली, यही नहीं पता भी क्या क्या चलते हैं। इसका कोई रेट का अंदाज़ा लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसा कोई देखो, किसी व्यापारी का छोटा कट्टा है और किसी व्यापारी का बड़ा कट्टा है, जिस हिसाब से जिसका माल आएगा उसी हिसाब से उसका रेट बिकेगा। ये रेट जानना तो वैसे बेकार ही है, क्योंकि इसका रेट का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, कैसा किसका माल है, कोई छोटे फूल का कट्टा आता है, कोई बढ़िया वाले बड़े मोटे फूल का। चलिए जान लेंगे इनके पास ये हरी मटर का, फ्रांस बीन का आज का क्या बाजार चलो, और बाकी सारी सब्जियाँ आई, चलिए जानते हैं हरी मटर में जो मिलना चला है यहाँ पर। दोस्तों ये गई 140 रुपये दड़ी। दोस्तों जैसे मैं हर रोज बताता हूँ, जैसा जिसका माल आएगा उसी हिसाब से उसका रेट चलेगा। बोली देने वाले ये लोग है या सारी जनता है, जिसको माल पसंद आ जाएगा, कई बार तो बोली इतनी ऊपर चली जाती है। 10-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 
₹200 दड़ी। हाँ जी, बात चल रही थी माल पसंद आने की। कई बार माल पसंद आता है तो ये रेट नहीं देखते कि कहाँ तक का रेट है, इनको माल बढ़िया चाहिए। कुछ ही जिला बंदे इसमें ऐसे हैं जो VIP इलाकों में माल बेचते हैं, उनको माल से मतलब है, रेट से नहीं। जैसा माल आएगा उस हिसाब से उसका रेट होएगा। एक ये भी दोस्तों ₹140 देख के ही बोरी काट के ही पता चल जाता है। और यहाँ रात को 1 बजे से बोली चल जाती है, 1 बजे से लेकर जब तक माल ना बिके सुबह 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक लगातार बोली चलती रहती है। सारा मेला जमगढ़ जितने भी मटर लेने वाले हैं, ये नहीं है कि यही लोकल मंडी के लेने वाले, ये पूरे दिल्ली ऑल ओवर दिल्ली NCR के लेने वाले ₹80। लो जी, ये ₹170 चली गई। देखो मटर की क्वालिटी जैसी आएगी उसी हिसाब से। ये छोटी छोटी मंडियों के भी हैं, यहाँ से लेकर जो दिल्ली NCR की छोटी मंडी है, गाजीपुर, ओखला, केशवपुर, इन मंडियों में भी माल ले जाके बेचते हैं। कई इसमें मासा खोर हैं जो यहीं से लेकर यहीं बेचते हैं। ₹130 दोस्तों एक गली मटर है। देखो ये ₹130 रह गए नहीं, जिसमें थोड़ा सा दाना दागी है। 500 देखो ये मटर की बोरी फेंकी, देखने से ही लगा कि इसकी आवाज बड़ी आई। मुझे लगता है कि ये बड़ी होनी चाहिए, जैसी आवाज आई ना छंद देसी, उससे अंदाजा है भी बड़ी। लो जी ये गई ₹200। देखा जी अंदाजा पड़ गया, पहली मटर की बोरी की जैसे ऊपर से पटकी ना छन देसी आवाज आई, नहीं सूखी मटर लग रही थी। ये ₹200 तक चली गई जी, इससे पहले ₹130 दड़ी गई थी। ये 5 किलो का रेट है दोस्तों, दड़ी गए। ये देखो पटकी ना जैसे इसमें से आवाज नहीं आई, ये ऐसे लग रहा है जैसे हो। ये भी दोस्तों ₹180, माल बढ़िया था जी, अंदाजा नहीं पड़ता है। नहीं जो सूखी मटर है उसकी बोरी की आवाज ही अलग आ जाती है, बढ़िया। लो जी दोस्तों लास्ट शो देख लें जी, चलिए 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 चलि
140 रुपए दोस्तों, जैसा जिसका माल उसी हिसाब से उसका रेट। चलिए दोस्तों जानते हैं राहुल भाई से और की दूसरे इलाके की मटर कहां कहां की आई, कितनी आई, कैसा बाजार चला। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। भाई साहब जी, ये कहां वाली बोली चल रही, कहां वाली मटर है जी इस समय? ये सैया वाली मटर है, देहरादून, ये उत्तराखंड की जी। आज का कैसा बाजार चला जी? गड़िया माल कल से कम है, ज्यादा है, क्या? कल से माल आधा है। कल से ग्राहकों ने इतना मंदा खा रखा है, तेजी की चांस कोई नहीं है। कल जी? आज भी कोई तेजी नहीं है। अच्छा जी, जो बाजार कल था वही बाजार आज है। कल माल ज्यादा था जी वैसे? कल माल डबल था, आज ज्यादा माल है। हाँ जी, बाजार कल वाला ही है। अच्छा जी, फिर भी नहीं उठा जी बाजार? अच्छा जी, ये मान लो 180 लेके 220 थी, 240 तक मछली बहुत बढ़िया बढ़िया मटर बिक रही है, 240 के बीच में। ये जो 40 से 48 किलो के बीच में थोक वगैरह जो ऊपर की हाइट के हैं जी, अच्छा जी, वाले माल बिक रहे हैं 240-50 के, नंबर वन। अच्छा जी, हाँ 220-240। अच्छा जी, बाकी जो नेरी के माल जो जो बिक रहे हैं, तो देहरादून के माल हैं वो बिक रहे हैं 130-140 से लेकर 180-190-200 तक। अच्छा जी, ये सारे सैया भी इसी में आ गया जी? फिर माल तो कम है जी। कुल्लू आई मंडी में गाड़ी, वो बिक रही है 180-200 बिक रही है। कुल्लू 180-200, वो भी हल्की क्वालिटी है जी? बाजार नहीं है माल इतने हल्की भी नहीं है, ठीक है बाजार। अच्छा जी, यानी उत्तराखंड से बढ़िया है? उत्तराखंड से बढ़िया जी, लेकिन बाजार नहीं है। अच्छा जी, तो आज तो माल बिकना चाहिए मटर, आज तो जैसे मौसम साफ है जी, बिल्कुल साफ, क्या नहीं ठंड है जी? साफ देखो ना, बादल मौसम खुला थोड़ी, ठंड में तो मटर बिकती है जी? दाना जी आप नहीं देख रहे, आज 1 मई हो गया। हाँ जी, अब एक बात बताओ, बच्चों की स्कूल छुट्टियाँ पड़ती 2 महीने की। हाँ जी, 15 मई से किस बार किस बार छुट्टियाँ पड़ती इस वक्त की? गर्मी की, गर्मी की। हाँ जी, हाँ गर्मी, आप बताओ बोले। ये तो आज एक मई है, रात का मौसम कैसा है? ठंड, कंबल लेके सो जाओ जी आज, सारे देखो जी पंखे बंद है, सिस्टम बंदा ओपन में है ना, बगैर कंबल सुन सकता, सो नहीं सकता जी। अब भी ठंड लग रही पंखों के नीचे जी, पंखे ठंड लग रही है। हाँ जी, दिन में गर्मी रात में ठंड है, गर्मी कहाँ आई? अब छुट्टियाँ पड़ेंगी बड़ी बच्चे पिला भी, ये बताओ। अभी मैंने पहले जहाँ से वीडियो स्टार्ट करी सन्नी भाई दुकान से, मैंने यही बोला शुरू में कि ये मौसम गर्मी का है और गर्मी की सब्जियां चलती है, जब तक लू नहीं पड़ेगी, गर्मी नहीं चलेगी, तब तक सब्जियों का रेट नहीं होगा जी। नहीं, मुझे अब ये बताओ बच्चों छुट्टियां पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी? नहीं पड़े, वो तो वैसे पा देंगे जी, उनको घूमने फिरने के लिए जाना जी, हिमाचल में गंध मचाएंगे, उत्तराखंड में जाके सारे वहीं जाके। लेकिन मौसम देखो, मौसम कैसा हो रहा है, कुदरत कैसे खिलवाड़ कर रही है अपनी बार। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा 1 मई हो रहा है, मौसम कैसा हो? एक आज के दिन लू चलनी चाहिए, लू की शुरुआत हो जाती है पूरी, अच्छी ठीठा गर्मी होती है आज। हाँ जी, हाँ जी, कोई दूर दूर साफ नहीं है। हाँ जी, और आज का जी फ्रांस बीन का कैसा बाजार चला जी? फ्रांस बीन बहुत कम आई है, हिमाचल के तो 10-15 घंटे आए थे। हाँ जी, वो बिकी 120-125 रुपए किलो, 120-125 रुपए हिमाचल की? हिमाचल। और ये अपना हिमाचल वाली फूल गोभी जी? वो 400-600 रुपए, 400 से 600 कट्टा, लोकल काफी आ रही ना। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों राहुल, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, राहुल भाई की बात में दम है, क्योंकि ये हैं सौदे दोस्तों गर्मी के, जितनी गर्मी पड़ेगी, लू पड़ेगी, उतना ही इनका रेट मिलेगा। विशाल भाई तो अब बोली करके यहाँ लिया, अब दूसरी बोली चली है, बारी बारी सिर्फ बोली चलती रहती है, क्योंकि ये रात को 1 बजे से शुरुआत हो जाती है भाई, 1 बजे से इनकी शुरुआत हो जाती है बोली की। चलिए दोस्तों जान लेंगे रामू भाई से भी आज का सब्जियों का क्या रेट चला, क्या क्या माल आया भाई। हाँ जी रामू जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब जी, आज का हाइब्रिड खीरा जो नंबर एक का नंबर एक बिका 13 रुपए किलो, नंबर एक 13 रुपए किलो, और ये किस ग्रेड का जी है? ये बिक रहा 10 रुपए किलो हाइब्रिड जी। हाँ जी, और आज सीडलेस खीरा जी? सीडलेस खीरा ये 14-15, सीडलेस खीरा 14-15 रुपए किलो, एक नंबर। और क्या माल आया था जी? और गोभी आई थी, फूल गोभी। हाँ, उसका क्या बाजार चला जी? 15-16 कहाँ वाली आ रही है? ये पानीपत की। अच्छा जी, और क्या माल आ रहा जी? और आई थी टिंडा आया था। अच्छा जी, टिंडा 30 रुपए किलो। ये कहाँ वाला? पानीपत। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों ये राहुल भाई की दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का कॉन्टेक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों हरी मटर और फ्रांस बीन का ही काम है। चलिए दोस्तों जान लेंगे महिंदर सिंह भाई जी की दुकान पे भी आज का सब्जियों का क्या कुछ बाजार चला, देसी टिंडा, जुकनी और दूसरे वाला टिंडा, आज की क्या क्या वैरायटी है। सर जी नमस्कार जी। बहू जी आज क्या क्या माल आया जी अपने पास जी? अपने पास कानपुर का टिंडा है जो 30 रुपए से 40 रुपए बिका, और राजस्थान वाला पनियों में ये 25 से 30 बिका, ये 25 से 30 रुपए जी अभी बचा हुआ है। अच्छा जी, कानपुर का बढ़िया जी है। हाँ अच्छा, और पीली जुकनी? पीली जुकनी कोई पूछ ही नहीं रहा, रखी ऐसी। अच्छा जी,
और हरी जुगनी का जी कैसा बाजार चल रहा जी? हरी जुगनी जो है बढ़िया जुगनी है, 25-20 रुपए बिक रही है। और वैसे बढ़िया वाली क्या रेट चल रही है? इसका कोई बाजार ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं, समझ नहीं आ रही। कई बार ये 100 रुपए तक हो जाती है, कोई पूछ ही नहीं रहा 2 दिन से। अच्छा जी, और घिया का बाजार कैसा चल रहा जी? घिया बाजार हो गया 150-200 रुपए बनने, 250 रुपए बनने। अच्छा जी, अच्छा। और करेला नहीं आया जी आज? करेला वरेला नहीं बिक रहा। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादवपुर मंडी में आज का हरी तिखी मिर्ची का क्या बाजार चला मंडी में, टोटल कितनी गाड़ियां है। नमस्कार भाऊ जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाऊ जी, कितनी गाड़ियां आ रही है हरी तिखी मिर्ची? मिर्ची आज कम थी, कल ज्यादा थी, आज कम थी। आज कम है जी? हाँ, कल तो 40 गाड़ी थी लोकल वाली जी। लोकल वाली। और आज रामपुर बरेली। अच्छा जी, कल तो 12-13 बीवी की थी ये हरी मिर्ची जी। हाँ, ये वाली। अच्छा जी, और आजकल से? आज 18-20 रुपए। 18-20 रुपए यानी कल से 7-8 रुपए का। 7-8 रुपए का छाला। माल कम था, बारिश पड़ गई थी ना, मौसम की चक्कर। अच्छा जी, आज तो दिल्ली में मौसम शिमला जैसा हो रहा ना। आज तो मौसम ठंडा हो रहा जी। हाँ, बहुत ठंडी हवा चल रही है। चलो बढ़िया जी, तो धन्यवाद सर जी। अपना मोबाइल, मोबाइल नंबर 9310-4716-98। और ये वाली पापड़ी, ये वाली है? ये तो 7-8 रुपए। ये 7-8 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया। धनिया का दोस्तों रेट है 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, यानी 100 रुपए से लेकर 125 रुपए धड़ी। जैसा धनिया जिसका उसका वैसी रेट है। छोटा धनिया होगा लेंथ कम होगी, और बड़ी होगा कटिंग वो 25 रुपए, बाकी 20 रुपए 21-22 ऐसे बिकेगा। दोस्तों बात कर लेंगे अरबी की, जो अरबी का दोस्तों ये है अरबी की, ये बिकी दोस्तों हैदराबाद विकी वाली दोस्तों 34 रुपए से लेकर 36 रुपए किलो अरबी हैदराबाद वाली। और जो ये बिकी दोस्तों खंडवा वाली नवी अरबी चल रही है, देखिए 45 रुपए से लेकर 48 रुपए किलो। राजू को ली, पुनीत को ली, दोनों भाइयाँ जी, इनका ये मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है जी। ये राजू को लीजिए का मोबाइल नंबर है, इनका 12 महीने अदरक का अरबी का काम है। ये मुन्ना को लीजिए, ये भी अदरक और अरबी को देखते हैं, इनकी दुकानों का रेट है। ये 242 दुकान नंबर है जी इनकी। चलिए दोस्तों जान लेंगे सुपर सप्लाई कंपनी ए 241 नंबर दुकान पर। ये तोरी आई दोस्तों, झिंगा तोरी, और इनके पास आई है प्लेन वाली तोरी, प्लेन वाली चिकनी तोरी जिसको बोलते हैं, झिंगा तोरी, प्लेन तोरी, बैंगन, ये सारी की सारी तोरी आई इनके पास। और इनके पास आता है दोस्तों कच्चा आम। चलिए जान लेंगे आज की क्या पोजीशन है जिसकी, ये सारा झिंगा तोरी नहीं भाई साहब के पास है जी। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, झिंगा तोरी का क्या बाजार चल रहा है? झिंगा तोरी चल रही है भाई, 12-13 चल रही है। 12-13 इसमें एक जो छोटे वाली आती है, इसमें छोटी वाली कौन सी? काली वाली चल रही है भाई, 28-30 रुपए। ये झिंगा तोरी छोटी देसी, देसी तोरी ये रेट चल रहा है भाई साहब? अच्छा, 12-13। 12-13। और जो प्लेन तोरी चिकनी वाली, प्लेन तोरी 28-30 चल रही है, वो 28-30 उसकी डिमांड ज्यादा है जी। उसकी डिमांड ज्यादा है इस टाइम तो, अभी नहीं। अच्छा, रात को बिकी वाल। ये करेला चल रहा है भाई साहब? करेला कहाँ वाला है ये करेला? ये अमरोहा का कांटे वाला करेला भाई साहब। अमरोहा का कांटे वाला नंबर 1 वाला जी ये? नंबर 1 का। अच्छा जी, इसका क्या बाजार चल रहा है? 15-16 चल रहा है भाई साहब। 15-16 रुपए। ये पलियों में ही आता है जी? हाँ, पोर्ट में आता है, पन्नी में भी आता है। पन्नी में अमरोहा का जी? अच्छा, डब्बे वाली तोरी का क्या बाजार? 1500 चल रही, 1500-16। डब्बे वाली में और पन्नी वाली में क्या डिफरेंस है जी? इसमें टूटती नहीं है, मतलब उसमें टूट जाती है पन्नी। चीज एक ही है जी? हाँ, चीज एक ही, माल एक ही। अच्छा, 2-3 रुपए किलो का फर्क पड़ जाता है डब्बे में डालने, खर्चा पड़ जाता है। और जो ये सेम फली आई थी जी आपके पास, सेम फली है? सेम फली बिकी 35-34 रुपए। सेम फली 34-35 रुपए किलो। अच्छा जी, और क्या बैंगन आ रहे जी? वही बैंगन आ रहा है, बैंगन चल रहा है भाई साहब 12-13-14-15 जैसा माल के ऊपर है। अच्छा, बढ़िया माल चल रहा है, 15-16 चल रहा है। अच्छा, ज्यादातर इस समय तोरी है जी? हाँ, तोरी आ रही है। इसके जो चिकने वाली प्लेन तोरी है इसकी ज्यादा डिमांड है जी? हाँ, इसकी डिमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी। अपना मोबाइल नंबर जी? मोबाइल नंबर 9891-750-901। बहुत 241। धन्यवाद दोस्तों। ये थे ए 241 नंबर दुकान पर सब्जियों के रेट। इनके पास झिंगा तोरी, प्लेन तोरी, बैंगन, ये काफी आइटम आती है। चलिए दोस्तों जानते हैं भाई साहब के पास ही बैंगन, बैंगन ही आती है, बैंगन, बैंगन ही है, भिंडी और क्या क्या माल है, पत्ता गोभी, करेला, खीरा, काफी आइटम आती है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, बैंगन चूचू का क्या बाजार चल रहा जी? अरे चूचू का बुरा हाल है भाई जी इस साल। हाँ जी, बहुत बुरा हाल है। ये 200 रुपए बोरा, 250 रुपए बोरा। 200-250 रुपए बोरा। और वजन कितना है जी इसमें? वो यानी 50-55-60 तक। और जो तोल कर वैसे बढ़िया वाला चूचू का रेट क्या है जी? बढ़िया तो 6-7 रुपए किलो बिकी है। बढ़िया काले पर में बिक रहा 10 रुपए किलो। काले वाला 10 रुपए, जो ऐसा जामनी रंग का है जी? हाँ, ये 6 रुपए किलो रात में, दिन में 200। और ये फ्री में है इसके साथ? हाँ, वो तो फ्री है। ये तो घूम रहा जी, जिंदा है जी ये तो? वैसा है जी, जिंदा है जी ये तो? इसमें तो होते ही ये। अच्छा जी। हाँ, ये तो किरदार है इसका। अच्छा जी, अच्छा। अच्छा जी, और आज का जी ये अपना भिंडी का क्या बाजार चल रहा जी? भिंडी को 22-23-24। 22-23-24 से लेके 22 तक। 25 से 22। कहाँ वाली है जी? कहाँ वाला माल है? ये राजगढ़ का है। राजगढ़। और ये पत्ता गोभी जी?
ये पंजाब की है, पत्ता गोभी, करेले। हाँ जी, क्या रेट है जी? मिर्ची क्या रेट है जी इनका? पत्ता गोभी का तो कोई भाव नहीं, 5-6 रुपए किलो का। अच्छा, ये करेला बिक रहा 15 रुपए किलो। अच्छा, शिमला मिर्ची 100 रुपए का दो पन्नी। शिमला मिर्ची 100 रुपए के दो पन्नी। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब। 2.5 रुपए किलो। अच्छा जी, अपना मोबाइल नंबर दी भाई साहब जी। 85-120-155-35। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जानते हैं भाई साहब के पास आज का आंवले का क्या बाजार चला। इनके पास ये आंवला आया और इनके पास ये ड्रम स्टिक, 12 महीने आपको इनकी दुकान पे आंवला और ड्रम स्टिक मिलेगी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ तो भाजी आंवला भी आ लिया जी। हाँ जी, आंवला बढ़िया आंवला आया। कहाँ वाला है जी है? ये मद्रास का। अच्छा जी, ये कौन से ग्रेड में गिनती होगी जी इसकी? ये ए ग्रेड है। ए ग्रेड जी। क्या बाजार चला जी इसका जी? ये बढ़िया आंवले का बाजार चला, 50-55 रुपए किलो। अच्छा जी, और जो उससे नीचे मीडियम जी? मीडियम 40 ये रहा मीडियम। अच्छा जी, अच्छा ये 40। और इसमें ज्यादा मोटा नहीं आता जी, डमरू आता है जैसे अपना राजस्थान? मोटा आंवला आ रहा है वो मेरे पास नहीं आया, मोटा आंवला 70 रुपए किलो। यही मद्रास वाला जी? हाँ, 65-70 मोटे का। अच्छा जी, और ये अपना ड्रमस्टिक सिंगी? ड्रमस्टिक का तो बहुत बुरा हाल है, 20-25 रुपए किलो। ये गुजरात वाली जी? गुजरात वाली। और राजस्थान वाली का? तो राजस्थान वाली तो आई नहीं जी। अच्छा जी, मंदा चल रहा है जी, बहुत मंदा ड्रमस्टिक का। अच्छा जी, चलो हो जाएगा जी बाजार। धन्यवाद सर जी, अपना मोबाइल नंबर जी? 9873107673। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, जान लेंगे दिल्ली जादवपुर मंडी में आज का इंग्लिश वेजिटेबल का क्या बाजार चला। दिवेश भाई साहब की दुकान पे क्या क्या चीज में तेजी है, मार्केट में क्या उठा पटक। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई साहब जी, कहाँ के माल चल रहे जिस समय? हिमाचल आ लिया जी? हिमाचल बहुत आ रहा है। अच्छा जी, आज का लाल पीली का क्या बाजार चला? आज बढ़िया लाल पीली 180 रुपए किलो बिकी है। ये कहाँ वाली आ रही जी लाल पीली? ये पूना। पूना वाली जी। और आज ब्रोकली नंबर वन की? बढ़िया ब्रोकली का रेट है सर 50-60 रुपए किलो का। और ये किस ग्रेड में है जी? 16 की है सर। इसका क्या बाजार? ये भी 40-50 रुपए बिक जाएगी। अच्छा जी, अच्छा। और जो बात करें जी ये अपना लाल पीली जुकनी? हरी पीली जुकनी सर 30 रुपए किलो परचून का रेट है सर। अच्छा जी, और आइसबर्ग का रेट जी? आइसबर्ग सर 40 रुपए किलो परचून का रेट। ये भी हिमाचल में बंद में 20 रुपए किलो मिल रहा है सर। अच्छा जी, ये हिमाचल है जी? ये हाँ हिमाचल है सर। अच्छा जी, और ये चाइना का? चाइना सर 20 रुपए किलो, जितना मर्जी ले लीजिए। अच्छा जी, और पोक्चे भाई साहब जी? पोक्चे सर बढ़िया वाला 30-35 रुपए किलो चला परचून का रेट। अच्छा जी, और लाल सलाद जी? लाल सलाद सर 40 रुपए किलो। और हरा सलाद? हरा सेम भी 40 रुपए किलो है। और पार्सली? पार्सली सर 50-60 रुपए किलो है, बढ़िया पार्सली। अच्छा जी, और लीक? हिमाचल की लीक? लीक 20 रुपए किलो, जितनी मर्जी लो, लोकल में मिल जाएगी आपको परचून में 20 रुपए किलो। अच्छा जी, और सैलरी? सैलरी 30 रुपए किलो सर। अच्छा जी, हाँ। तो अभी रेट की कोई वो नहीं है जी? अभी मतलब ये थोड़ा मौसम से वैसा होगा, माल अगर कम आएंगे तो रेट बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे ही रहेगा फिलहाल। और चेरी टमाटर का जी? चेरी टमाटर सर बढ़िया वाला 40-50 रुपए किलो है। और रेड कैबेज? 20 रुपए किलो जितनी मर्जी। अच्छा, और ये बेबी कॉर्न? सर बढ़िया बेबी कॉर्न का पैनेट बना के 100 रुपए किलो बिक रहा है। और लेमन लीफ? लेमन लीफ सर 650-700 रुपए किलो। और लेमन ग्रास? 60-80 रुपए किलो। अच्छा, 60-80 रुपए किलो। हाँ, बीच में। अच्छा, और बेसिल का क्या रेट चल रहा है? बेसिल बढ़िया चलिए सर 100-120 रुपए तक। 100 रुपए से बेसिल 100। ये कहाँ वाली आ रही है बेसिल? लोकल आ रही है सर, लोकल की बेस्ट आ रही है, रखी है लोकल देखिए ना। अच्छा जी, लोकल देखो आप, देखोगे की हाँ सब चीज फेल है। अच्छा जी, लोकल में भी बढ़िया माल है जी, पूरा एक नंबर माल आता है सर लोकल का। अच्छा जी, ये बेसिल कल की है, अब देख लो ताजी पड़ी है, तो ये कल की बेसिल है। अच्छा जी, जो आज की ताजी होगी और ठंडी पड़ी जी, मौसम का आज मौसम बढ़िया है ना, देख लो। अच्छा जी, अच्छा। और इसके अलावा और क्या माल आ रहा जी? अभी तो फिलहाल ये आ रहा है, बाकी तो वही थोड़ा छोटा। और रेड कैबेज का नहीं बता जी? रेड कैबेज 20 रुपए किलो परचून का रेट है सर। अच्छा जी, 15 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, जितनी मर्जी। मंदा ही चल रहा है अभी सारी चीजें, अभी बाजार इतना तेज नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों इंग्लिश वेजिटेबल का ही काम है। चलिए दोस्तों, प्रेम भाई साहब के पास आज का मशरूम का क्या बाजार चला। मशरूम की कितनी मंडी में आई, कितनी क्वांटिटी आ रही, पार्सली है, मशरूम है जी। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चला जी मशरूम की? अब तो ठंड होगी जी, अब तो नहीं कह सकते? नहीं नहीं, आज थोड़ा साए वाए भी चालू हो गया, तो मशरूम का रेट अच्छा है। अच्छा जी, रात को बिकी 120-140। अच्छा जी, और अब रिटेल में चल रही है 150 चल रही है। अच्छा जी, ये ठंड का भी फर्क पड़ गया जी? अब थोड़ा मौसम का तो फर्क पड़ता है, लेकिन थोड़े डिमांड ज़्यादा है। अच्छा जी, इस वजह से भी रेट ठीक ठाक। अच्छा जी, साहे का फर्क पड़ गया जी? हाँ जी। अच्छा जी, धन्यवाद जी। और ये पार्सली?
ये पार्सली बिक रही है, ये देहरादून से आई थी परसों। हाँ जी, इसमें थोड़ी पीली हो गई इसलिए बिक रही है 30 रुपए 20 रुपए। अच्छा, नीचे उसमें रख दी होगी ये स्टोर में। हाँ जी स्टोर में। अच्छा, बिकी नहीं परसों पूरी? नहीं, ये पीली हो गई ना। अच्छा जी, ग्रीन बिक रही है 50 रुपए। अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जी अपना 9654443। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, जानते हैं भाई साहब के पास आज का पत्ता गोभी का क्या बाजार चला, आज की क्या कुछ रिपोर्ट है भाई साहब के पास आती है, क्या रेट है जी। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, ये क्या जी, आज तो सारे पत्ते खाए छेते हुए, क्या बात है? ओले का निशान है जी? ये थाना भवन की है। ओले का निशान है जी? वैसा जी वैसे ही ओले के चोट के निशान है सर। अच्छा जी, बड़ी टूटी फूटी गोभी आ रही है। आज के कैसे बाजार चले जी इसके जी? आज के 100-120 रुपए कट्टा बिक रहा है। वो हापुड़ वाली तो तेज है जी, फिर इससे वाली वो बढ़िया आ रही है ना इस टाइम। अच्छा जी, बढ़िया वाली तो बिक रही है 250-300। हाँ जी, उसका तो यही चल रहा है 250-300। इसका 100-120-150। अच्छा जी, मोटे फूल हैं जी ये? मोटे हैं, फटे हुए हैं। अच्छा जी, ये तो ऐसे लग रहे जैसे ओले के निशान पड़ गए, ओला पड़ा हो जिनके, ओला पड़ा हो ना सब फट गए हैं। कीड़े से हो रहे जी? कीड़े भी हैं इसमें, इसीलिए तो 100-120 रुपए कट्टा बिक रहा है। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जी अपना 9899-88-67-17। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, जान लेंगे मूली गाजर वाले किसान साइड में आज का सब्जियों का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है। मूली गाजर वाला किसान साइड बोलते हैं, यहाँ आपको लोकल भी और बाहर की भी सारी चीजें मिलेंगी। ये भी भाई साहब के पास आया, क्या चीज है जी? नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई जी। भाई जी नमस्कार। भाई साहब जी, लोबिया का क्या बाजार चला जी? ये लोबिया बिक रहा है जी 45 से 50 रुपए किलो। कहाँ वाला है जी? है लोकल है जी। अच्छा जी। हाँ जी। और भाई साहब जी, आज का ये हाइब्रिड खीरा? खीरा देसी है जी, देसी। ये देसी है जी? हाँ जी, देसी, प्योर देसी, बिल्कुल बिल्कुल प्योर देसी इधर है। अच्छा जी, इसका ये कौन सा? थोड़ा मिक्स है जी। मिक्स, इसका क्या बाजार है? नई वैरायटी आई है, देसी में ही है, हाइब्रिड टाइप में है। अच्छा जी, इसका क्या बाजार है? ये 10-12 रुपए बिक रहा है जी। और ये प्योर देसी? ये भी 12-13 रुपए बिक रहे हैं। और जो इसमें हाइब्रिड आता है लोकल? लोकल हाइब्रिड है जी, वो 11-12 रुपए बिक रहा है। सोनीपत वाला? सोनीपत मुरथल का है जी। अच्छा जी, और जो अठिया भाई सोनीपत की है, जो लोकल भिंडी आ रही है पाली में? जो लोकल भिंडी है जी 30-32 रुपए। अच्छा, 30-32 रुपए। हाँ जी। और जो लोकल करेला है जी पालियों में, लोकल करेला? लोकल करेला 18-20 रुपए पाव जी। अच्छा जी, और लोकल ये हरी मिर्ची आ रही है? ताजी में आएगा। अच्छा जी। हाँ जी, लोकल जो अपना करेला जो आप पूछ रहे हो वो दोपहर 1 बजे? 1 बजे आएगा। अच्छा जी। हाँ, और ताजा माल आता है बिल्कुल फ्रेश। लोकल भिंडी भी तभी आएगी? लोकल भिंडी भी, लोकल भिंडी रात को भी थी, दिन में भी आएगी। और ये खीरा आएगा दिन में भी? दिन में करेला, खीरा, भिंडी, तीनों आइटम आएंगे। तोरी आती है कांगड़े वाली भी और चिकनी भी। ये सामने रखी हुई है, देखिए ये देसी तोरी है। ये झींगा तोरी? झींगा तोरी बोलते हम, देसी तोरी बोल देते इसको। कांगड़े वाली? चलो जी, ये कांगड़े वाली है, 25-26 रुपए किलो है। अच्छा जी, और इसी में एक लंबी आती है वो हाइब्रिड टाइप में होती है देसी, उसका रेट डाउन है, वो 18-20 रुपए। अच्छा जी। हाँ जी, और जो चिकनी तोरी? चिकनी तोरी आती है जी, वो है जी 35 से 40 के बीच, राम तोरी बोलते हैं जी इसको। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, और ये लोकल मिर्ची जी? लोकल मिर्ची अभी मंदा है भाव जी। हाँ जी। हाँ जी, इसका क्या बाजार चल रहा है? 12-14 रुपए किलो। अच्छा जी, अच्छा, और लोकल धनिया भी आ रहा जी? नहीं, अभी धनिया नहीं है जी, लोकल तो उसमें ताजी में ही आएगा धनिया। अच्छा जी, और हरा प्याज आ रहा जी लोकल? हरा प्याज भी नहीं आ रहा जी भाव जी। अच्छा जी, अच्छा, अभी तो बाकी प्याज वो आ रहा है, धनिया ताजी में आएगा। अच्छा, 18-20 रुपए किलो चल रहा है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, फूल गोभी भी बंद हो लीजिए? फूल गोभी भी बंद है जी अभी तो। अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर? धन्यवाद जी, नमस्कार। हमारा मोबाइल नंबर है 9317-15311। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। दोस्तों, ये दो समय मंडी लगती है, रात को भी माल आते हैं, हाँ दिन में भी आते हैं। जैसे देखो, अब से गाड़ियां आने शुरू होगी भाई साहब की, पहलवान ये आए, ऐसे ही ये दिन में दोपहर में 12:30-1 बजे यहाँ गाड़ियां लग जाती हैं और इनकी बोली चलती है। जो सोनीपत, पानीपत, सोनीपत का, सोनीपत के आसपास का खीरा, करेला, भिंडी, हरी मिर्च और लोबिया, ये सारी लोकल सब्जी आती है दोपहर बाद की मंडी में।